हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे हो, आई होप से भी अच्छे होगी। गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro Max परमानेंट 4G वोल्टी सेटिंग। मतलब गाइस मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे आपके फ़ोन में यहाँ पे 4G का नेटवर्क तो आता है बट वो ऑटोमेटिक यहाँ पे चला जाता है। तो बस चाहे आपके पास जियो का सिम हो, चाहे आपके पास एयरटेल का सिम हो, ज़्यादातर अभी हमारे ऑल इंडिया में जियो और एयरटेल ही चल रहा है, बोडा और आइडिया तो थोड़ा सा कम चल रहा है। तो बस मैं आपको सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ, लगभग ये सभी सिम पर नेटवर्क वर्क करेगी चाहे आपके पास कोई सा भी सिम हो। तो बस इस वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना है। आपके फ़ोन में अगर ऑटोमेटिक यहाँ पे 3G हो जाता है तो बस इसकी क्या सेटिंग है, आपको ऐसे ऐसे क्या सेटिंग करनी पड़ेगी जिस वजह से आपके फ़ोन में यहाँ पर परमानेंट 4G ही रहेगा। और आप गाइस आपके फ़ोन में यहाँ पे अगर नेटवर्क जाएगा भी तो वीडियो डायरेक्टली नो सर्विस या इमरजेंसी हो जाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। क्योंकि ये मैं ऐसी जो सेटिंग बताऊँगा आपको वो आपको सिर्फ LTE मोड पे ही यहाँ पे एक्टिव रहती है, वरना अगर आपके फ़ोन में यहाँ पर नेटवर्क आएगा तो 4G का आएगा, वरना अगर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आएगा। इस सेटिंग को ट्राई करने के बाद जो भी आपको सेट फोन में जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो सबसे पहले यहाँ आपको देखना आपके फ़ोन की सेटिंग, जैसे आपको आपके फ़ोन की सेटिंग मिले तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अगर जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने कोई न्यू इंटरफेस खुल के आएगा सेटिंग का। तो बस क्या क्या करने वाले हैं उस वीडियो में आपको सारे साथ लाइव प्रूफ दिखाऊंगा मैं गाइस। तो मैं सेटिंग में क्लिक कर दिया। अब वैसे मैं जैसे यहाँ पर सेटिंग में क्लिक किया ना, और अगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूंगा आपको ये सेटिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि बस मेरे पास देख रहे हो यहाँ पे मेरे फोन में इस बंदे के फोन में यहाँ पे अपडेट आ चुका है। हालांकि मेरा फोन नहीं है, इसके कस्टमर मेरे शॉप पे आया था। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना है, सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क पर आपको क्लिक करना होगा। चाहे आपके फोन में लिख रहा हो सिम कार्ड मोबाइल डेटा, चाहे आपके फोन में लिख रहा हो सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क, वो आपको यहाँ पे देख लेना, उस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे बस यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। वहाँ पर हम कुछ आपको सेटिंग करके दिखाएंगे, क्या क्या सेटिंग करके दिखाएंगे वो इस वीडियो में आपको पूरी लाइव प्रूफ दिखा देंगे। तो बस मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, बस यहाँ पे देखो इस तरह का फॉर्म सा मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फोन में कोई भी 4G का नेटवर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे नेटवर्क शो हो रहा है बट 4G का नहीं आ रहा है। तो इसकी क्या सेटिंग है? अब बहुत सारे भाई तो यार ये बोल लेंगे यार ये सो सेटिंग से हमें जो सेटिंग करना बता रहा वो हमने करके देख लिया। गाइस मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको जो बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि गाइस आपका कोई भी हो सकता है आपके फ़ोन में अंदर से यहाँ से सेटिंग भी प्रॉब्लम हो। मैं जो आपको स्टेप बताऊँगा एंड में जो मैंने आपको बताया था आपका परमानेंट 4G वोल्टी रहेगा वो भी सेटिंग मैं आपको बता दूंगा। तो बस यहाँ पे देखते रहो। तो यहाँ पे डुअल सिम यहाँ पे दिखा हुआ, आपको यहाँ पे डुअल सिम को यहाँ पे आपको ऑन कर देना है। हो सकता है कि आपके फोन में सिंगल सिम यहाँ पे दिखा रहा हो, यानी ये ऑप्शन ही ना हो। मैंने आपको बोल दिया भाई अपडेट होने के बाद थोड़ा फोन ऊपर नीचे चेंजिंग हो जाती है, हो सकता है इस कस्टमर ने अपना फोन अपडेट नहीं किया हो सकता है आपने अपडेट कर लिया हो, तो वो यहाँ पे आपको मैनेज कर लेना है। ये तो गाइस यहाँ पे मैं आपको जो इंटरनेट की कुछ सेटिंग बता रहा हूँ, हालांकि ऐसे इसमें कुछ ही नहीं है, इसकी जो आपको 4G वोल्टी की जो सेटिंग इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं इनको लेके चल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं है आपको इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा हो। जैसे आप कहीं कॉल करते थे हम आपके फ़ोन में यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता, आपको यहाँ यूज मोबाइल डाटा वोल्टी लिखा हुआ, इस सेटिंग को आपको यहाँ से ऑन कर देना है, जिस वजह से आपके फोन में यहाँ पे अच्छे से इंटरनेट चलने लग जाएगा कॉलिंग पे भी। यहाँ 100 नेटवर्क स्पीड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन ऑन करके रखना है, जिस वजह से आपको ये पता रहेगा कि हमारे फोन में कितनी MB की स्पीड आ रखी है। आप बस यहाँ पे मैं जियो सिम पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे जियो, ये कस्टमर बोला था भाई मुझे जियो सिम है जो उस पर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं जियो यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे 3G कर दिया मैंने इसमें, और यहाँ पे मैं अब LTE कर देता हूँ। और आपके फ़ोन में यहाँ पे LTE ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पे LTE ही रखना है गाइस, ना कि आपके 3G करना है। जियो की सिम कभी भी यहाँ पे आपके फ़ोन में यहाँ पे LTE मोड नहीं देती, सॉरी 3G का मोड नहीं देती है। और आपके यहाँ पे एयरटेल हो, वोडा हो, आइडिया हो, चाहे BSNL हो, कोई सी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे 3G का मोड दे देती है, तो आपको यहाँ पे LTE ही पे क्लिक रखना है जिससे आपके फ़ोन में नो सर्विस का प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने जैसे LTE पे क्लिक किया, मेरा फोन यहाँ पे कंप्लीट 4G यहाँ पे लेके आ गया, सॉरी LTE मोड यानी लेके आ गया। ये आपको कर देना है वोल्टी इनेबल, आपको यहाँ से कर देना है। अब बस ये सेटिंग करने के बाद आपको पूरी सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब यहाँ पे एक्सेस पॉइंट नेम और मॉन नेटवर्क का एक ऑप्शन बचा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, अब जो मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ वो आपको अच्छे से फॉलो कर लेना। ये सेटिंग करने के बाद अगर आपके फोन में इंटरनेट नहीं चलता है, 4G वोल्टी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो मैंने आपसे बोल दिया एंड में आपको मैं एक लेटेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे वैसे आपके फोन में परमानेंट 4G वोल्टी हो जाएगा। अब बस यहाँ देख रहा हूँ मैं यहाँ पे एक बार अपनी APN सेटिंग पूरी यहाँ पर रिसेट कर देता हूँ। मैंने पूरी यहाँ पे अपनी APN सेटिंग यहाँ पर रिसेट कर दी है। रिसेट करने के बाद गाइस मेरा पूरा कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका है। अब यहाँ से मुझे आ जाना है बैक आने के बाद मुझे सीधा जाना है यहाँ पे प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद गाइस यहाँ से मुझे एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या एप्लीकेशन है वो भी यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। जो खुद का 4G स्विचर, चाहे आप 4G LTE मोड वाला कर सकते हो, चाहे आप 4G स्विचर कर सकते हो, दोनों एप्लीकेशन बेस्ट है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर से ओपन पर क्लिक कर देना। अब बस मैंने यहाँ पे पूरे एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देख रहे हो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेट द प्रेफरेंट द नेटवर्क टाइप, आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको LTE मोड ओनली वाले एक ऑप्शन चुनना है। अब यहाँ पे जैसे ये सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे देख रहा होगा यहाँ पे लिख रहा है वॉइस नेटवर्क टाइप, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे इसके सिग्नल यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, सिग्नल या स्ट्रेंथ, यानी ये सिग्नल ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज हो जाएगा। LTE WCDMA में कर दिया, अब 8.DBBM एंड 53 SUC
ऐसी इस तरह की यहाँ पे स्पीड आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। आपका डायरेक्ट यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर दिया LTE ओनली। अब देखना यहाँ पे ब्रांड जो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी जो सेटिंग यहाँ पे आ चुकी है, LTE मोड आ चुका है, पूरी पूरी सेटिंग यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा फॉर्म से यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपका मेरे पास यार ये बंदे कमेंट करते हैं भाई ये एप्लीकेशन वर्क नहीं करता, जैसे आपको यहाँ पे क्या करना है आपके फोन की सेटिंग में जाना है। फोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको 2G या 3G सेलेक्ट कर देना, फिर इसे एप्लीकेशन देकर आपको यहाँ पर 4G सेलेक्ट कर देना, तब भी कैसे आपके ये डायरेक्ट आपकी सेटिंग को कनेक्ट कर लेगा, आपकी सेटिंग में भी आज 4G कर देगा और यहाँ पे भी आज 4G कर लेगा गाइस। तो यार मेरे को वीडियो पसंद आ पसंद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रेस करना गाइस। तुम्हारा भाई नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, बंदे मातरम, लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली।